My entire team force, professors, heads of departments, doctors, postgraduates, residents, scholars, nurses, paramedics, technicians, engineers, administrators, security, sanitation, everybody has contributed immensely. My profound regards to all these people. I started my mission again, where there were a lot of unfinished projects which I had taken of that time. I have completed 4 major projects out of that. That includes state cancer institution of 100 beds. Social media, putting up anything like that, has its own importance. I welcome that criticism. I completed around 14 projects at that point of time in 1.5 years only. So anything, a tablet upper small, to a level of ventilator, an equipment of 1,000 rupees, to an equipment of multi-crores, from PET scan, cath lab, linear accelerators, all these things go through that scrutiny of audit, internal, external, and the purchase committee of all zones. My answer to all these criticisms lies in this management, where I take their criticism, but I don't bother about it. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, कोविड हो या नॉन कोविड, हमेशा जो हेल्थ सेक्टर है इस पर बात करना लाजमी है और इसका स्टेटस जानना, इसका अपडेट जानना ये बड़ा लाजमी है। और लास्ट ईयर भी हमने जब कोविड की पहली लेयर शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में, तो हमने डायरेक्टर स्किन सोवरा से बात की थी उस हवाले से। और आज भी चूँकि हम दूसरी कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं, और आज भी हमने प्रोग्राम में मदद किया है डायरेक्टर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा डॉक्टर ए जी अहंगर साहब से, और इनसे हम बात करेंगे कि ओवरऑल आप चूंकि पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव की, क्या कुछ प्रिपरेशंस है और इस वक्त क्या इंस्टीट्यूट का स्टेटस है, और मजीद इनसे कुछ और चीज़ें ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूँकि आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से हम कोविड की जंग लड़ रहे हैं और पूरे इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं कोविड की वजह से ओवरबर्डन है, पर्टिकुलरली इन जैन के, और थोड़ा सा हमें बताइए अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में, स्कीम्स के बारे में, कि इसका स्टेटस क्या है, हमारे ऑडियंसिस को, नाजरीन को इस बारे में अपडेट कीजिए। कोविड के हवाले से अगर हम सारी कंट्री को देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में एडवांस्ड सेंटर्स हैं, हर एक सेंटर इस वक्त कहीं ना कहीं कोविड को डील कर रहा है। कोविड के साथ साथ इन सारे सेंटर्स में नॉन कोविड मैनेजमेंट भी कंटिन्यू हो रहा है। किसी हद तक नॉन कोविड मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं डीले, पोस्टपोनमेंट या किसी वजह से फर्दर डेटिंग हो रही है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कोई भी सेटअप कोविड को ट्रीट करते हुए, डील करते हुए, नॉन कोविड पेशेंट्स को या उनके अटेंडेंट्स को उस रिस्क में नहीं डालना चाहता जहां पे उनको कोविड की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़े। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में हमारे पास दोनों नॉन कोविड एज वेल एज कोविड का मैनेजमेंट किया जा रहा है। जैसे ही कोविड की तकलीफ शुरू हुई वुहान से, एंडिंग नवंबर 2019 से लेके, फिर जैसे जैसे 2020 का आगाज़ शुरू हुआ तो ये कोविड की तकलीफ है ये सारी दुनिया में फैल गया। बिल्कुल। और इसने वो पहले एपिडेमिक से लेके पैंडेमिक की शक्ल सूरत इख्तियार की। पैंडेमिक के हवाले से इसने सारी दुनिया में कहर बरपा किया। बिल्कुल। दुनिया की बड़ी बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज, बड़े बड़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रम्बल होते गए। वो लोग उस कोरोना पैंडेमिक को इस हिसाब से हैंडल नहीं कर पाए जिस हिसाब से मैं ज़ाती तौर दावे के साथ ये कहना चाहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट ने बहुत बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया।
उसकी मिसाल आपके सामने है. अगर हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कोविड आर इन यूएसए, द मैक्सिमम ऑफ डेथ्स हैव हैपेंड इन यूएसए. नेक्स्ट टू यूएस, अगर हम यूरोपियन ममालिक को देखेंगे, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे बड़े बड़े इकोनॉमीज इसमें ऐसे लपेट में आ गए कि ये भी इसका मुकाबला उस तरीके से नहीं कर पाए. अगर हम ब्राज़ील को देखेंगे, नेक्स्ट टू यूएस वहाँ के फिगर्स ज़्यादा हैं जो पर मोर्टलिटी कंसर्न. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोरोना पैंडमिक का इतना कहर नहीं हुआ जितना बाकी मुल्कों में हुआ. रीज़न फॉर दैट इज़, एक तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कंपेरेटिवली सब स्टैंडर्ड लिविंग इन एशियन एंड ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड एडजेसेंट कंट्रीज, दीज कंट्रीज डू नॉट मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग द वे वी हैव इट इन यूरोप और अमेरिका. ब्राज़ील एक अलग चीज़ है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज कुछ अलग चीज़ है, अफ्रीकन कंटिनेंट कुछ अलग चीज़ है, वहाँ के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है. प्रोबेबली बिकॉज ऑफ आवर बेटर इम्यून प्रोफाइल, बिकॉज एंड देन एट द सेम टाइम दिस कोरोना पैंडमिक एनगल्फिंग दीज एरियाज ए लिटिल लेटर, बाय देन वी केम टू नो कि इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मोमेंट, हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वेयरिंग अ मास्क, फाइंडिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रीटिंग इट, became a sort of an exercise, an experiment, and ultimately we came to know how exactly we can handle this corona. That has made a tremendous difference. Accordingly, Sheri Kashmir Ushra Medical Sciences, jo ek deemed university hai jahan pe highest seat of medical education hai, yahan pe hamare paas post doctoral se leke post graduate, undergraduate, diplomas and टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज, नर्सिंग के हवाले से पैरामेडिकल कोर्सेज, इनके साथ साथ चूंकि ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के होते हुए हमारे पास जो टर्शियरी केयर सिस्टम अवेलेबल है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में पहला ऐसा इदारा है और ओनली वन सच इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर दिया जाता है, जिसकी बदौलत हमारे पास जो पेशेंट लेवल 3 की इलनेस के आते हैं, जहाँ एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एडवांस्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मैसर हैं, दस्तियाब हैं, जिसकी वजह से हम इस पैंडमिक को बेहतर तरीके से निभा पाए, हैंडल कर पाए. इसके हवाले से अगर हम शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो अपने लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस का वो हम पहले दिन से इसको बांप चुके थे कि ये जो पैंडेमिक है ये किस नवीयत की शक्ल सूरत इख्तियार कर सकता है, और हमारे पास मार्च 2020 में एक 3-bedded आइसोलेशन वार्ड था जहाँ पे सिर्फ 2 वेंटिलेटर थे जो हमने कोरोना पैंडेमिक के लिए मखसूस किए. आपको इस बात से अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस स्टेज पे हमने शुरू किया जी. 3 बेडेड वाले आइसोलेशन से विद 2 वेंटिलेटर्स, आज यही इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने काफ़ी हद तक डेवलप किया, जहाँ पे मैंने एक अलग इन्फेक्शस डिजीज़ ब्लॉक कायम किया जहाँ पे हमारे पास 40 हाई डिपेंडेंसी बेड्स हैं जो लिटरली इंटेंसिव केयर बेड्स हैं. नेक्स्ट मैंने हमारा एक इंस्टीट्यूट में ए विंग है जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमारा एक सर्जिकल ऑब्जर्वेशन वार्ड या डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड है जहाँ पे हमारे 35 बेड्स हैं, इनको भी मैंने हाई डिपेंडेंसी या इवन इंटेंसिव केयर बेड्स में चेंज कर दिया. आगे मैंने एक नया जो हमारे पास 2A वार्ड है उसको भी मैंने इंटेंसिव केयर लेवल पे लाया, वहाँ पे हमारे 20 बेड्स हैं जो बिल्कुल बाज़ाब्ता इंटेंसिव केयर बेड्स हैं जहाँ पे वेंटिलेटरी फैसिलिटीज़ के साथ साथ हाई डिपेंडेंसी केयर के साथ साथ वो सारी चीज़ें फराहम हैं जो इंटेंसिव केयर में पेशेंट को दी जाती हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास हॉस्पिटल की ए विंग है उसको मैंने ऐसे रीऑर्गेनाइज किया जहाँ पे हमने नॉन कोविड पेशेंट्स को बी विंग में शिफ्ट कर दिया और इन सारे बेड्स को कोविड के लिए मखसूस किया. हमने
जहाँ पे 3-bedded आइसोलेशन वार्ड विद 2 ventilators से शुरू किया, आज हमने ये कैपेसिटी 500 ऑक्सीजन डिपेंडेंट बेड्स तक लाया है, जिसमें मोर देन 83 वेंटिलेटर्स की गुंजाइश है और जिसमें मोर देन 40 वेंटिलेटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसके साथ साथ हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग एक सर्जिकल इंटेंसिव है, जहाँ पे हमारे 14 बेड्स नॉन कोविड मैनेजमेंट के लिए 24x366 कंटिन्यूसली रहते हैं। एक न्यूरोसर्जिकल आईसीयू है 8-bedded, वो भी 24x360 चलता जाता है। हमारे पास नियोनेटल इंटेंसिव केयर है, जहाँ पे तकरीबन फिर से अराउंड 20-bedded की हाई डिपेंडेंसी सर्विसेज अवेलेबल है। ऐसे ही और भी हमारे पास हाई डिपेंडेंसी एरियाज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जिसकी बदौलत शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की अलग पहचान है, अलग कारकर्दगी, अलग परफॉर्मेंस है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा फरमाया आपने कि किस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यहाँ पे डेवलप किया गया है। एक अहम चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, किस तरीके के इस लास्ट के 2 ईयर्स की, अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी तक जो है तामीर किए गए हैं और इसके जो जेर गौर है या जो अंडर कंस्ट्रक्ट है। 5th of December, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस डेडिकेट किया गया अर्सवाइल जेएंड के स्टेट के लोगों की खातिर। आजकल जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंड के है, जिसमें आजकल लद्दाख अलग एक यूनियन टेरिटरी है, इसके हवाले से 1982 में अगर हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट का खाका देखेंगे, तब सिर्फ 250 बेडेड थे और सिर्फ रेफरल टर्शियरी केयर के लिए ये मखसूस था। बिल्कुल। टुडे द सेम इंस्टीट्यूट व्हेन आई टुक ओवर इन 2016 एज डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इसकी बेड कैपेसिटी 650 थी। इस 650 बेड्स की कैपेसिटी को मैंने पिछले 5 सालों में विद अ ब्रेक ऑफ माय सर्विसेज फॉर अबाउट 2 ईयर्स in 2 phases, in 2 innings of post Burhan Wani scenario with chaos, confusion, crisis, death and destruction and the service circumstances thereof, I managed to enhance the bed capacity of this institution. I completed around 14 projects at that point of time in 1.5 years only. That included PET scan, linear accelerator for cancer management, a digital cardiac cath lab, a new boardroom, an expansion of emergency services, expansion of OPD services, a part of A wing of the that time maternity wing with relation to gynae and obstetrics department, and similar many other projects. Unfortunately, with a break of 2 years, as I came back in November 2019, I started my mission again, where there were a lot of unfinished projects which I had taken of that time. I have completed 4 major projects out of that. That includes State Cancer Institution of 100 beds, the Maternity Hospital of 120 beds. Similarly, I constructed one of the infectious diseases block, renovated and refreshed it and, you know, redesigned it for the COVID management. Similarly, completed a wet lab. And similarly, many other projects, an engineering block, a central drug store, so on and so forth. I enhanced this bed capacity from 250 of 1982, of 650 in 2016, to 1250 today, with more than 1,000 beds which are entirely oxygen supplied, and with all other facilities, out of which we have more than 500 beds which can deliver high dependency management, including more than 100 intensive care beds today as on date. Is Sher-e Kashmir Institute of Medical Sciences mein in an infrastructural enhancement that I have taken up and that I have completed so far. That's absolutely true. Doctor saab, is dauran ye bataiye ki kitni challenges rahi jis jab is tarike ke bade projects, वैसे तो एक डायरेक्टर को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैंडल करने होते हैं, क्या कितनी बड़ी चैलेंज होती है एक सरबराह को?
I have worked as director of one of the national institutes in Shillong, which was under the Ministry of Health, Government of India. I served that place for about 3.5 years. But during those 3.5 years, I built that structure. I got it to the level of national importance. In fact, I got the best award also for my developmental works there and my building that institution further. In fact, I got the Distinguished Leadership and Lifetime Achievement Awards because of my performance there. With my APRs marked as exceptionally brilliant. But then working in Sheri Kashmir Institute of Medical Sciences, under the scenario that is known very well to you and me and to everybody else, the world over, it's entirely a different game. In central ministry, in Delhi, in any other part of the country, you have labor force available, you have technology available, you have communication available, you have roads, your railways, your air services uninterrupted. But Kashmir is a different story. You have to look for the labor force. You are dependent for the labor force that comes from outside. You have to look for the railways, the surface transport. You are dependent on, you know, aerial transport. And many a times during winters and sometimes under harsh circumstances because of the other reasons, it's very difficult to do that developmental work or do those constructions or go for infrastructure enhancement in Kashmir. It's entirely a different story altogether. However, despite whatever scenario, I've done my best. I'm totally satisfied. An institution with 650 beds as a director, as I've taken over in 2016. Today, its bed strength is twice that number without anybody noticing it even. And with the better facilities for the care, better facilities for the high dependency point of view, better gadgets, better equipments. डॉक्टर साहब, चूंकि आपने गुफ्तगू की इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के हवाले से या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हवाले से, अब चूंकि आप जानते हैं कि थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी है, इस हवाले से बताइए क्या कुछ प्रिपरेशन हैं और मजीद इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ लाहे अमल तरतीब दिया गया है? कोरोना पैंडमिक की जो थर्ड वेव जिसका इम्कान है और जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो प्रोबेबली हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी, मतलब बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, जो 25 इयर्स से कम उम्र के होंगे शायद उन पे इसका ब्रंट ज़्यादा होगा। अभी तक जो पहला फेज़ या सेकंड फेज़ था कोरोना का, वो तीसरा फेज़ शायद इस लेवल यूथ को ज़्यादा इफेक्ट करेगा और शायद बच्चों की पॉपुलेशन को। इसके हवाले से शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने बच्चों के लिए एक ए विंग जो हमारी हॉस्पिटल की है, जिसमें हमारा एक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर है, एक न्यूरोटॉलजी वार्ड है, एक पीडियाट्रिक्स का वार्ड है, उसी विंग में हमारे पास एक जिसको हम वार्ड 1P बोलते हैं, वहाँ पे हमने 20 ऐसे बेड्स का इंतज़ाम किया हुआ है जिनके साथ साथ वेंटिलेटर्स, हाई डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का हो गया, और इन केस ज़रूरत पड़ी तो इन बच्चों की खातिर जिन्हें कोरोना पैंडेमिक में थर्ड वेव का सामना होगा, जो खुदा न खास्ता साइटोकिन स्टॉर्म की लेवल तक या उस एडवर्स लेवल तक पहुँच गए जहाँ पे उन्हें रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो हमने इसके लिए ये इंतज़ाम पहले ही करके रखा हुआ है। तो हम कोरोना पैंडेमिक की थर्ड वेव जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अगर इफेक्ट करती है, उसके साथ साथ जो इस वक्त की हमारी लेवल ऑफ केयर है उसको जारी रखते हुए इस पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी इस चीज़ का हमने अच्छी तरह से इंतज़ाम करके रखा हुआ है। अब जो इंस्टीट्यूट की फर्दर डेवलपमेंट का ताल्लुक है, मैंने अपनी जो यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K की गवर्नमेंट है, मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स सबमिट किए हुए हैं जिनमें तकरीबन 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने 2025 और 2030 दो फेजेस के विजन के लिए सबमिट किए हुए हैं, जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर, जिनमें एडवांस्ड रेडिएशन साइंसेस सेंटर, जिनमें एडवांस्ड पीडियाट्रिक साइंसेस सेंटर, जिनमें एक इन कैंपस
अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, ऐसे और इंस्टीट्यूशंस का क्याम सबमिट किया हुआ है, प्लान सबमिट किया हुआ है, जिस पे हमने डिफरेंट ईयर्स में बजट एलोकेशन के हवाले से काम की शुरुआत से लेके इनके एंड तक बाज़ाब्ता एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। दैट इंक्लूड्स इवन एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर एंड एडवांस्ड कार्डिक साइंसेज सेंटर, ऐसे ही कुछ 14 प्रोजेक्ट्स मैंने सबमिट किए हुए हैं, जिनसे हमारे एक इवन फैक्ट एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव साइंसेज सेंटर, जिनसे हमारे आगे 100 ईयर्स की जो ज़रूरियात होंगी हमारी, वो ज़रूरियात को कम बैक करने के लिए, उनको कंपैट करने के लिए शायद ये ऐसे 14 प्रोजेक्ट्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस होगी, ताकि हम फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स अपने इस फ्यूचरिस्टिक विजन के हवाले से लोगों को ऐसी सहूलियात हम पहुँचाएँगे शेर कश्मीर मेडिकल साइंसेज में, जहाँ पे उन्हें कहीं बाहर जाने की ना आज तक ज़रूरत हो, ना आगे की ज़रूरत हो। इफ़ यू सी द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ कोरोना पैंडमिक पेशेंट लोड एंड द डेथ्स देयर ऑफ, इट हैज़ नॉट गॉन द वे वी हैड प्रेडिक्टेड इट। वी हैड प्रेडिक्टेड प्रोबेबली वी लूज millions of people in India. We would probably lose millions in Union Territory of J&K also. However, by the time this pandemic affected us, we were well geared up, if not prepared, with our modalities of SOPs, government guidelines, standards of operations, restrictions, maybe lockdowns as and when necessary, maybe other modes of containment, fast tracking, extensive testing, and then treatment higher centers, including Sher Kashmir Institute of Medical Sciences, with a sense of relief, the way we managed the very first wave in 2020. We managed 2021's second wave also. The first wave affected mostly elderly and those with comorbidities, with people who were immune compromised, for one other the reasons. The second wave affected a little younger generation, again with comorbidities. It came with a higher lethality, with higher infectivity, and a faster rate of spread. But then, I salute the entire government of India, Union Territory of J&K in particular, where Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinhaji, his Honorable Advisors, were the Chief Secretary, the Financial Commissioners, the Principal Secretary to Honorable Lieutenant Governor, they all have been closely, personally monitoring and putting the entire system under surveillance and constantly reviewing it, updating it, and constantly changing the decisions for the betterment of the people. Be it changing the guidelines, be it giving new SOPs, be it putting restrictions on the movement, be it even lockdowns as and when necessary. The point is that the government at center, the government in the Union Territory, have handled the COVID, the first phase, the second phase, brilliantly. And we have always stood the test of time. My entire team force, professors, heads of departments, doctors, postgraduates, residents, scholars, nurses, paramedics, technicians, engineers, administrators, security, sanitation, everybody has contributed immensely. My profound regards to all these people and my all the applause for them who have made it possible for us to see to it that we have handled corona pandemic far better than any other state in the Union of India or for any other country than India. All over the world, we have done better. Government of India has done better. Government of Union Territory of J&K has done better, and we at Sher Kashmir Islam Medical Science have done a lot better. I'm proud to say that my force, my ward brigade, has done a lot better. Our figures today are comparable with
न्यूयॉर्क स्टेट्स। डॉक्टर साहब, चलते चलते दो तीन सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक ये कि जो कोरोना पहली बार हमने देखा, हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, क्या कुछ सीखने को मिला हमें यहाँ से? और बहसियत इस एक बड़े इदारे के डायरेक्टर होने के नाते, क्या समझते हैं आपके क्या लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स को हम कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? ए वेरी गुड क्वेश्चन। किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए उस प्रॉब्लम के बारे में पहले सोचना, उस प्रॉब्लम के लिए एक प्लान मरतब करना, एक स्ट्रेटजी अपनानी बहुत ज़रूरी है। पर उस प्लान को, उस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। खाली बिल्डिंग स्पेस, बेड्स, वेंटिलेटर्स या मॉनिटर्स किसी काम के नहीं है। आपके पास लेटेस्ट गैजेट्स हों, सीटी स्कैन से लेके एमआरआई, डिजिटल कैथ लैब से लेके न्यूरो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स तक, हमारे शरीर के इंस्ट्रूमेंटल साइंस में ये चीज़ें की जाती है। पर इन सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो एक ह्यूमन बॉडी एंड सोल बहुत ज़रूरी है, जो इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके एक्सलेंट रिजल्ट्स दे सकता है। द पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज यू नीड टू हैव द प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स विद यू। एज लॉन्ग एज यू हैव डॉक्टर्स, एज लॉन्ग एज यू हैव द अदर वर्क फोर्स, यू कैन गेट एक्सलेंट रिजल्ट्स, यू कैन ड्रीम अप एनीथिंग। बट इफ यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, देन प्रोबेबली वॉट एवर space technology you may have, that makes no sense. What I understood the loopholes we have in the system, I would talk of health system in general, probably we are not spending as much of GDP on health infrastructure as we ought to. If you see Europe, if you see America, their GDP expenses on health are something more than 15, 18 or around 20 to 29 in America. That is the reason that they have better infrastructures, irrespective of the fact what is happening with COVID. But even then, the two things cannot be compared. The loopholes in our system are non-availability of the skilled manpower, non-availability of the space, non-availability of the finances, non-availability of administrative or financial autonomy in such settings, where you have to take instant decisions, where there is no scope of waiting, delaying or postponing anything. Because when it's a matter of life and death, if you have to save a life, you have to resuscitate it. You have to go for what we call a CPR. But if you have to do an operation, do a long-term procedure, do a cancer management, those are, you know, planned things over a period of time. But when it's a pandemic-like situation, where Disaster Management Act comes into force, you need to have those financial or administrative, you know, autonomies, and you need to have as much of sufficient skilled manpower with you. You need to have as many gadgets and latest technology available. Then probably you can expect anything. Doctor Saab, एक तरफ से अगर हम देख रहे हैं कि हमारे इस इतने बड़े इदारे जो कि मुल्क के टॉप इदारों में से इसका शुमार किया जाता है, हेल्थ सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, आपने मशीनरी की बात की, आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात की, लेकिन कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कुछ कमिट किए जा रहे हैं इस इदारे के हवाले से, उस पर ज़रा आप अपने तासुरात दें, हमारे जो नाज़रीन हैं उनको इस हवाले से आप थोड़ा आगाही करें, बातचीत डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूशन के, कि ये जो कुछ बातें हो रही है सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर भी हमने देखा, तो इस हवाले से बताइए। बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत तलख जवाब। खूबसूरत सवाल इसलिए कि सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी, जब तक इन मीडिया और इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपका क्रिटिसिज्म, आपके एलिगेशंस, आपके सवालात बज़ाहिर
इस इंस्टीट्यूशन की बेहतर कारकर्दगी के लिए या किसी भी सेटअप के बेहतरी कारकर्दगी के लिए सामने लाए जाए, तब तक ये सवालात बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। मैं जहाँ तक इन सवालात के जवाबात ऐसे ढूंढे जाएं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही नहीं, इंडिविजुअल्स ही नहीं, बल्कि उस कौम के उस कौमी सरमाए, जिसको मैं ह्यूमन रिसोर्स कहूँगा, जहाँ पे उस कौमी सरमाए पे उंगलियाँ उठाई जाएंगी, कीचड़ उछाला जाएगा, तब ये जवाबात गलत हैं, ठीक नहीं है, तब इनकी खोज जो है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने इस सवाल का ये रुख ले लिया। बहरहाल, वी मस्ट नो दैट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एनी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूट और एनी अदर टर्शरी और सेकेंडरी केयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स स्पेस, इक्विपमेंट्स, मैन पावर टू रन द इक्विपमेंट, द मशीन्स, एंड देन द सेंट्रल पॉइंट इज द पेशेंट अराउंड होम दिस यूनिवर्स रिवॉल्व्स, देन यू नीड टू हैव एडमिनिस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट। व्हेनेवर यू टॉक ऑफ मैनेजमेंट, यू नीड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गैजेट्स, द एसेंशियल आइटम्स, ड्रग्स, मेडिसिन्स, एक्सरे फिल्म, सीटी फिल्म, सीटी स्कैन, कैथ लैब्स, गर्ज कोई भी इक्विपमेंट, देन ओनली दैट मेक्स एन इंस्टीट्यूशन। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू हैव अ डिफरेंट एंड डेफिनेट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। वी एट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आर ब्लेस्ड टू हैव a management system in this institution from day one. That management system comprises of a material management officer who is supposed to be either head of hospital administration or any other person who is supposed to be literally a professor's rank, maybe even lower, one who knows the skills of the management. Then under him are material management officers of different sections: imports, purchases, drugs, machinery, and engineering, and so on and so forth. There are various wings of this thing. And in all these different wings, under a particular material management officer, there is not a less than a chain of around 20 more people, some of whom are even gazetted officers and then non-gazetted officers. They continue to evolve a particular proposal from day one to the ultimate process of it is purchase. A particular proposal from a department vetted by his or her faculty, then the head of department reaches the material management officer or the department, and then as per the discussions in that material management officer headed by that chief of material management officer, it's put to the tenders. Be it e-tenders or be it erstwhile general tenders of whatever sort in print media, nowadays electronic, and then going through various portals, including GEM portals, you float these tenders, you accept the quotations or the offers in short-term tenders. Then it is subjected to the scrutiny where a technical committee evaluates a particular item or a drug or a molecule or equipment of the lowest or the highest order, and then that technical committee evaluation submits the report for further financial verifications, for financial examinations. After that it comes to another meeting wherein more than 20 to 25 gazetted officers of the highest order participate and debate in that meeting, what we call as purchase subcommittee, which is chaired by director and with the chief of material management officer and other heads of departments who threadbare discuss the use and the utility and the pros and cons as well as the financial implications, vetted by the director of finance, who ultimately is the drawing disbursing officer here. All these things are done and ultimately through a proper scrutiny with the material management officers' minutes being drafted, written, signed by one and all.
then only purchase orders are issued to a particular company or a firm. Mm-hmm. It's a very robust mechanism, which you will not have pearl anywhere in the country. Shri Kashmir Institute of Medical Sciences, I say with a sense of pride, has such a system which any other institution is following nowadays. Mm-hmm. Now, at the same time, mm-hmm. there's another committee which is known as Purchase Committee, which mm-hmm. is chaired by, mm-hmm. which is usually under the chairmanship of Worthy Chief Secretary, which depends on the financial implications, say more than 20 crores mm-hmm. or something like that, where again, more than a dozen or 20 heads of departments discuss the various modes and scenarios of procurement and relevance and so on and so forth. Social media, putting up anything mm-hmm. like that, has its own importance. Mm-hmm. I welcome that criticism. It has its own implications. It's very good as long as it is healthy criticism. Mind you also mm-hmm. that with all these purchases, with all this system in vogue, there are two systems of audit. One is an internal audit, the other is an external audit. Mm-hmm. And every year, this is a routine exercise. So anything, a tablet upper small, mm-hmm. to a level of ventilator, mm-hmm. an equipment of 1,000 rupees, to an equipment of multi-crores, from PET scan, cath lab, linear accelerators, all these things go through that scrutiny of audit, internal, external, and the purchase committee of all these members. Even if social media writes anything with their vested interests, I welcome it to the extent, as long as it helps in developing the system further. I take this criticism in a healthy way. However, mm-hmm. there is an element of mischief in every society, every forum, mm-hmm. every level, in any part of the world, be it even US, not to speak of India, not to speak of Union Territory of J&K, not to speak of the Valley, or not to speak of Shri Kashmir Medical mm-hmm. Sciences. Unfortunately, there has been a lobby of people who have been all the time busy politicking and who have been all the time having their own nefarious designs. Why these questions and queries today is the reason, because there are some aspirants for the highest seat of this institution. Those of the people who could not compete or match my merit and my performance in my earlier years or earlier things are desperately looking for this position, mm-hmm. which is their right and genuinity. I value it, I understand it, I salute them. However, the route they take, the mode they take, the methodology they adopt for mudslinging, criticizing in a sense where they're not only spoiling the reputation of A or B like me person, but they're spoiling the hard-earned image and reputation of this prestigious national institute. Mm-hmm. And at the same time, they're downgrading the very medical profession which is serving the poor people, the common masses, mm-hmm. irrespective of cost, grade and color. Please bear in mind that it is twice earlier chief minister, one of the tallest leaders of the country, mm-hmm. and the Union Territory of J&K today, and his son, again, twice the chief minister, who prefer to have the treatment at this institution mm-hmm. with sense of pride, despite the fact that he was offered to go outside the state for better treatment, for a better setup. He opted to stay back and get treated with us. Thank God, we have come up to the expectations. This is one example, but there are so many such mm-hmm. high state people or common people from the street whom we have treated here in a beautiful way. There are a lot of people from outside the valley because of one or the other reasons who were working either because of their engagement or employment or whatever reason, of business or trade or commerce or whatever assigned roles, mm-hmm. whenever they became infected with COVID. We have treated them to their best and they're left satisfied. My answer to all these allegations, mm-hmm. my answer to all these criticisms lies in this management, where I take their criticism, but I don't bother about it. Let them go to any extent. I know their nefarious designs. I know what they mean. And they are all exposed. They have themselves exposed through print and electronic media. They signed this or that document. It's very well clear to know. They forged
their signatures, some of the colleagues. But then it's very clear what is right and what's wrong. I don't mind all these things. Neither am I scared of anything. I know what my mission is. I know my performance. I'm much more than satisfied than I could think of having worked in center and having worked in this erstwhile state of J&K, now Union Territory of J&K, and now in this Sheri Krishna Institute of Medical Sciences, which has made me Dr. Ahangar. The poor people of this place, whom I have served all throughout my life for 30 years, I'm proud of their prayers and I'm in their service even today. Whether I am at Sheri Krishna Institute of Medical Sciences or not, my mission shall continue very dear to me and I shall continue to serve my people, irrespective of whatever cadre. Mere samne maine aaj bhi kaha, aashiyan aur aasman aur bhi hai. डॉक्टर साहब, मुख्तसर से आखिर पर आपकी कोई मैसेज होगी यहाँ से? माई मैसेज टू माई ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, फोर्स इज वन. कोरोना पैंडमिक इज अ डिजास्टर. इट मीन्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. इफ यू डोंट फॉलो SOPs, इफ यू डोंट फॉलो गाइडलाइंस, इफ यू डोंट फॉलो गवर्नमेंट एडवाइजरीज, वी आर गोइंग टू लैंड in hospital, we are going to land on ventilators, we are going to land in graves, and we are going to land in a destroyed world, which will mean famine. If you are not able to work, if you have to resort to lockdowns and restrictions, we will ultimately end in no education, poverty, hunger, no business, and that is what is famine, will be threatening the very existence of human life on this planet. My message would be, please vaccinate yourselves and motivate others, because this is the only tool available for fighting the pandemic. Doctor Saab, thank you for your time. Nazreen, ye the hamare sath Dr. AJ Ahangar Saab, jo ke director hain Sheri Kashmir Institute of Medical Sciences Sohra ke, aur inse aaj humne guftugu ki kya kuch surat hal hai is waqt, kis tarah ki preparation hai third wave ke hawale se jiski possibility hai, aur kya kuch infrastructure ko develop kiya gaya hai, projects kya hain aur aage ka kya lahi amal hai, is par badi tafseel is waqt Dr. Ahangar Saab ne guftugu ki, aur sath sath unne is baat ki bhi wazahat ki ki jo kuch time se allegations inke upar is idare ke upar different platforms pe ho rahi hai, us pe bhi unhone tafseelan uski bhi wazahat ki ki kya kuch sab kuch है. नाज़रीन, आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो. अपने मेजबान इमरान नाइक को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.